सो आज का जो एक्साइटिंग सेशन होने जा रहा है संडे सेशन, उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से या सक्सेसफुल पर्सन बनने से रोकती है। वो प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे हम बोलते हैं उलझन। क्या बोलते हैं? उलझन। और वो उलझन का एक सॉल्यूशन है, उलझन है हर व्यक्ति के लाइफ में है। उन उलझनों का कुछ सॉल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं इग्नोर, यानी नजरअंदाज करना। तो आज के इस सेशन में हम इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, क्योंकि जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। भरोसा रखना है, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, क्योंकि शक करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैं, पर्सन है, एनीबॉडी, कोई भी पर्सन इस धरती में है, उसकी लाइफ में मैंने ऐसे अनुभव किया है कि हमारी लाइफ में हर दिन, हर कदम, हर क्षण, हर मिनट, हर जगह पे कुछ ना कुछ उलझने रहती हैं। आप मानते हैं इस चीज को कि आपकी लाइफ में उलझने आती हैं, और वो उलझने दरअसल होती उलझन नहीं है। हम लोग उस उलझन में क्या कर जाते हैं, उलझ जाते हैं। उलझन बहुत छोटी सी होती है, अगर हम उसे चाहें तो एक सेकंड के लिए जैसे ही उलझन हमारे सामने आती है हम उसे इग्नोर करके हम वहां पे नहीं भी उलझ सकते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि एक व्यक्ति जीवन में अपने एक टारगेट के लिए काम कर रहा होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन आगे बढ़ रहा होता है, हर दिन आगे बढ़ रहा होता है। परंतु आपने ये सुना है कि जब जब हम किसी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, जब जब हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उन्हें चैलेंजेस का भी नाम देते हैं। उसी प्रॉब्लम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके रास्ते में, आपकी सफलता के रास्ते में, आप जब अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान आपके रास्ते में बहुत सारी बहुत बड़ी रुकावट जो आपके सामने आती है, उस रुकावट का नाम है उलझन, कॉम्प्लेक्सिटी। आपके रास्ते में ऐसी छोटी छोटी रुकावटें हर दिन, हर कदम, जब आप क्लास के लिए निकलते हैं, जब आप स्कूल के लिए निकलते हैं, जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए निकलते हैं, आप पढ़ने के लिए बैठना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी आप करना स्टार्ट करते हैं लाइफ में, जब भी आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप किसी काम को करने के लिए जब अपने लाइफ में आप आगे बढ़ाते हैं, तो आपके रास्ते में कोई ना कोई उलझन आना शुरू होती है। परंतु माय डियर स्टूडेंट एंड ऑल द ऑडियंस, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बात इंफॉर्मेशन अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेते हुए, अनुभव लेते हुए आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर इन छोटी छोटी उलझनों को, जो उलझन एक दिन हमारी लाइफ में और हमारी सफलता के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, अगर इन उलझनों को अगर हम इग्नोर कर दें, अगर जिस समय आपके सामने कोई भी छोटी सी उलझन आती है अगर हम उसे इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में सफल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि जिस प्रकार आप देखते हैं, जब भी कोई उलझन हमारे सामने आती है या हमारे लाइफ में आती है, हमारे करियर के रास्ते में आती है, तो हमारी लाइफ जो होती है बहुत लोडेड हो जाती है, हमारी लाइफ में बहुत लोड हो जाता है। और जिस तरह से एक लोडेड गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, जब हमारे लाइफ में, हमारे करियर में,
हमारे सफलता के रास्ते में भी जब बहुत सारा लोडेड हो जाता है तो हमारी सफलता की भी स्पीड स्लो हो जाती है या रुक जाती है, या हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं, या हम अपने ट्रैक से आगे बढ़ने के बजाय पीछे भी हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने लाइफ में आने वाली छोटी छोटी उलझनों को इग्नोर करना चाहिए। वो छोटी छोटी उलझने आप सभी को पता है किस प्रकार से आती है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जब कभी आप रास्ते में निकलते हैं, कोई व्यक्ति आपसे एक छोटी सी गलत बात करता है, आप उससे उलझ जाते हैं और वो उलझन इधर ही खत्म नहीं होती है। वो उलझन धीरे 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 इतना बढ़ जाती है कि आपको आपके बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने से रोक सकती है। तो आप सभी से मैं एक चेतावनी के तौर पे बोलना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर आप रियली, अगर आप वास्तव में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में फेलियर कैटेगरी से सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इस उलझन नामक बीमारी को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जब जब आपकी लाइफ में कोई छोटी हो या बड़ी कोई भी उलझन आती है, उसे आप इग्नोर करिए, नजरअंदाज करिए और अपनी लाइफ में आप डेफिनेटली सफल होंगे। जीवन में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम जितने छोटे होते हैं हमारे उलझनों की लेवल भी उतना ही छोटा होता है, हमारी उलझनें उतनी छोटे छोटे टाइप की होती हैं। परंतु आपको एक चीज याद रखनी है, जिस प्रकार जो जीवन में हमारी जो भी कुछ देखे, आप देखते हैं ना कि इस धरती में दो टाइप के आपको लोग दिखते हैं। एक वो टाइप के लोग कि उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई उलझन आती है, वो उसका सॉल्यूशन फटाफट कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। पर एक कैटेगरी ऐसी देखी होगी, प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, उलझन बहुत छोटी होती है, पर वो अपने आप को, खुद को उस प्रॉब्लम में इतना उलझा देते हैं कि फिर उस उलझन से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और फिर जब वो असफल होते हैं तो ये कहते हैं कि मैं इस वजह से असफल हो गया। अभी यहाँ पे आपके माइंड में बात आ रही होगी कि सर, जो व्यक्ति उन उलझनों का आसानी से समाधान कर लेता है वो कैसे कर लेता है, और जो व्यक्ति छोटी सी उलझन में इतना फंस जाता है कि उसके लिए लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हैबिट्स। इसका सबसे बड़ा क्या है कारण? हैबिट्स। क्योंकि जो व्यक्ति तुरंत किसी उलझन का समाधान कर दे रहा है, मतलब वो उसके जीवन की एक हैबिट बन चुकी है। जिस प्रकार आप देखते हैं स्कूल में पढ़ने वाला, क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट होता है जिसके सामने कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, वो उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है, और एक स्टूडेंट होता है उसके सामने छोटी सा भी एक उलझन वाला क्वेश्चन आता है, वो उसी में उलझे रह जाता है, उसी को कॉम्प्लेक्सिटी कर देता है। तो हमारी लाइफ में बचपन से ही एक हैबिट बन जाती है, हमारे जीवन का एक अपना प्रिंसिपल बन जाता है कि हम किसी काम को किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर आप इस एज से, छोटी एज से, बचपन से, या आप छोटी छोटी उलझनों को अगर समाधान करना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी उलझनें भी आएंगी, आप उनका भी समाधान आसानी से कर पाएंगे। तो अपनी आदत आज ही से, अभी से ऐसी आदत बनाइए कि आपके सामने जब भी कोई उलझन आएगी, जब भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपके सामने आएगी, तो आप उसमें फंसेंगे नहीं, आप उसमें उलझेंगे नहीं, आप उसको नजरअंदाज करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और आप जिस सफलता के रास्ते में चल रहे थे, जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे, उस लक्ष्य पर पहुंच के ही अपने सांस रोकेंगे। ओके? जब भी हम अपनी लाइफ में उलझनों को अपनाते हैं या किसी भी उलझन में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि हम उसे नजरअंदाज करें, यानी इग्नोर करें, और जो भी हमारे सामने उलझन आई है उसे हम लोड ना लें, उसे अनलोडेड कर दें। और इसका रिजल्ट ये होगा, अगर हम उलझन में उलझे रहेंगे तो हमारी करियर या लाइफ क्या हो सकती है? स्पॉइल हो सकती है। और अगर हम उन उलझनों को इग्नोर करेंगे, अपनी लाइफ में उलझेंगे नहीं, तो एक दिन हम अपनी लाइफ में डेफिनेटली अपनी मंजिल पर। काउंसलिंग की क्लास होती है जो हमारे पांडे सर देते हैं, और मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगता है।
और हमारी लाइफ से रिलेटेड बातें वगैरह भी हम आपको बताते हैं कि हमें क्या किस वक्त करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स वगैरह भी हमारे आते हैं और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप भी इस सेशन को एवरी संडे में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कोमल, आई एम इन 12th क्लास। मुझे यहाँ पे रोज काउंसलिंग क्लास लेना बहुत अच्छा लगता है और मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एवरी संडे यहाँ पे आए और सीखें कि लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम होती है हमें उसे कैसे फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। थैंक यू।